नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में काफी अच्छी चर्चा करने वाले हैं और सबसे पहले यही बताएंगे ये जो बारिश है इससे आलू किसानों के लिए क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है, ये सारी डिटेल में बताएंगे। तो इस वीडियो में किसान भाइयों पूरी तरह बने रहिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में बेल आइकन भी दबा सकते हो जिससे आपके लिए सबसे पहले हमारी वीडियो आए। तो सबसे पहले किसान भाई देखो, यही से शुरू करते हैं कि आज 23 मई 2022 है और मौसम वैज्ञानिक किसान भाइयों 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक मतलब बारिश बता रहे थे, भारी बारिश। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि बारिश भी पड़ रही है, कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं पड़ रही है। जैसे मैंने सुबह लाइव में भी दिखाया था, देखो काफी तूफान के साथ यहाँ पे हल्की सी बारिश पड़ रही है, लेकिन अब दोबारा किसान भाइयों सही बारिश आई थी। जो मैंने लाइव में नहीं दिखा पाया वो कट कर दिया मैंने। तो किसान भाइयों कुछ लोग कह रहे थे कि ये लाइव झूठ है। देखो लाइव कभी झूठ नहीं होता, लाइव में जो दिखाया जाता है वो बिल्कुल 100% सच होता है, लाइव कभी झूठ नहीं होता। तो ये तो किसान भाइयों इसकी बात रही। अब किसान भाइयों इससे देखो हमारे लिए बेनिफिट क्या होने वाला है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो ये जो बारिश पड़ रही है इसको हम मानसून बारिश तो बोलते नहीं है, मानसून तो अभी आया नहीं है, इसको बोलते हैं प्री मानसून। तो बारिश का तो ये है, चाहे मानसून वाली हो चाहे प्री मानसून वाली हो, बारिश में तो 100% आलू की रिक्वायरमेंट रहती है, डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ती है तो रेट भी 10-20-50 रुपए बढ़ सकता है, उसकी ये नहीं कह सकते कि कितना बढ़ेगा। जैसे कि किसान में ये परिवर्तन तो आता है, जैसे बारिश पड़ने पे हमारे अंदर भी परिवर्तन आता है कि हमें अब ये चीज चाहिए। तो ऐसी मैं आपके लिए एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, जैसे हम बाजार में जाते हैं तो बाजार में हमको क्या लगता है कि कोल्ड ड्रिंक पी लें या ठंडा जूस पी लें, लेकिन अब ये बारिश पड़ने से क्या है कि अब हमको लगेगा कि लाओ समोसे चाट पकौड़ी ये चीज खा लें क्योंकि मौसम ही ठंडा हो गया है। तो इस वजह से परिवर्तन तो आता है। तो इस वजह से किसान भाई इस बारिश से हमारे लिए यही बेनिफिट होने वाला है कि मार्केट में डिमांड आलू की और बढ़ेगी और जिससे रेट भी और बढ़ेगा। अब किसान भाई आलू पे 50 रुपए तो देखो डाउन थे, अब हो सकता है वो 50 रुपए दोबारा आ जाएं और उससे भी ऊपर पहुंच जाए रेट, वो कह नहीं सकते कितना रेट बढ़ेगा, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि रिक्वायरमेंट बढ़ी जाती है आलू की इस बारिश के मौसम में। तो किसान भाइयों जैसे अब कोल्ड की बात कर लें, 2-4 दिन पहले क्या हो रहा था, इतनी तेज गर्मी थी किसान भाइयों कि 45-46 डिग्री टेम्परेचर या 48 डिग्री टेम्परेचर पे हमको किसान भाइयों कोल्डो में जैसे जा रहे थे कुछ लोग, 50 जैसे किसान आलू बेचने गए तो उसमें से केवल 25 किसान या 30 किसान आलू बेच रहे थे। लेकिन उससे पहले एक हफ्ते पहले क्या हो रहा था कि अगर 50 किसान आलू बेचने गए तो उसमें से 40 सैंपल बिक रही थी, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। तो निकासी में भी किसान भाइयों काफी ज्यादा मतलब डाउन हुई है निकासी भी। तो यही होता है किसान भाइयों, जैसे ही मौसम चेंज होता है या रेट बढ़ता 10-20-50 रुपए तो किसान भी थोड़ा आलू अपना निकालते हैं, लेकिन उस अब वो कितना निकालें और रेट कितना बढ़े वो किसान भाइयों अभी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अब निकासी पे भी थोड़ा उछाल आएगा और तुम्हारे रेट पे भी 10-20 रुपए और आएंगे, यानी बढ़ेंगे जरूर। तो अब किसान भाइयों देखना यही है कि कितना रेट जा सकता है। तो किसान भाइयों बारिश से तो अभी तो काफी और बारिश भी पड़ रही है, बारिश से तो हमारे लिए फायदा ही फायदा है। तो अभी किसान भाइयों मैं ये भी नहीं कह सकता कि 1000 पहुंच जाएगा या 1200 पहुंच जाएगा, भैया आलू तो बहुत है ऐसी कोई बात नहीं है, मौसम हमारा पूरा साथ दे रहा है भाई, ऊपर वाला तो पूरा साथ दे रहा है। अब ऊपर वाले के हाथ में देखो, ऊपर वाला तो हमें शुरू से ही मतलब हमारा साथ देता चला आ रहा है, कभी टेम्परेचर इतना कर दिया कि ज्यादा आलू है फिर उसको खराब कर दिया, तो मतलब ऊपर वाला तो साथ दे रहा है। अब आगे का देखना किसान भाई बाकी है। और देखो एक बात और है, अब आने वाले टाइम में इस चैनल पे हम अपना भाव भी बताया करेंगे बिल्कुल सटीक और एकदम बढ़िया भाव बताया करेंगे, और जल्दी हम शुरू करने वाले हैं तो अभी हम आपको अपडेट कर ही देंगे। और बुधवार को हमारा लाइव है, लाइव में आप जुड़ सकते हो और 11 बजे सुबह लाइव होगा। तो किसान भाइयों इस वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर बताना और इस वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। नमस्कार।